लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्त शंकु का अर्धशीर्ष कोण कितना साइन इनवर्स 1/3 होता है। क्या दे रखा है, पृष्ठ दे रखा है, तो पृष्ठ क्या होगा इसका कांस्टेंट होगा, पृष्ठ कांस्टेंट होगा और आयतन क्या है अधिकतम है। तो देखो सिद्ध करना है साइन इनवर्स, सेम वही अल्फा इज़ इक्वल टू सिद्ध करना है साइन इनवर्स 1/3। देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्या कांस्टेंट है S कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है S कांस्टेंट है, हाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे S कांस्टेंट है, L वेरिएबल है और R वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। तो यहाँ से अगर L का वैल्यू निकालते हैं तो इसको इधर उठा के फेंको तो पाई आर एल इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक। अच्छा एल बराबर हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर, क्लियर हो गया, ठीक। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कह जाओ वी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। यहाँ पे h का वैल्यू रखो r स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, h बराबर क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक। लेकिन यहाँ पे फिर भी l क्या है हमारा वेरिएबल है, ठीक। तो l का मान यहाँ से रख दो, l का मान यहाँ से इसमें पुटिंग करो एक, और ये हो गया v, इक्वेशंस को ना स्क्वायर कर दो क्योंकि स्क्वायर रूट है, इसको क्या कर दो वर्क कर दो दोनों साइड, ठीक है। जब वी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, पाई स्क्वायर आर की पावर 4, और ये हो जाएगा तुम्हारा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो यह जगह 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, इसका स्क्वायर करो तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्लियर है। अब इस आर की पावर 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस आर की पावर 4 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/9 पाई स्क्वायर इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो आर स्क्वायर से पावर कटेगा, कितना बचेगा आर की पावर 2, तो जगह आर स्क्वायर एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा माइनस आर की पावर 6 हो जाएगा क्योंकि आर की पावर 2 इंटू आर की पावर 4 क्या जाएगा आर की पावर 6, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते इसको, तो देखो v स्क्वायर बराबर, क्योंकि सिंप्लीफाई इसलिए कर रहे हैं ताकि हाँ बताओ इस पाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चलो ठीक है ना, इस पाई स्क्वायर का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक, यहाँ पे पाई स्क्वायर आ जाएगा, ये हटा दो यहाँ से, क्लियर है, हैं। और सिंप्लीफाई करो तो जाएगा 1/9 आर, इस देखो अब यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका अगर होल स्क्वायर ले लेंगे तो आर का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो क्या जाएगा ये एस आर माइनस पाई आर की पावर 3 का स्क्वायर और माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 हो जाएगा, हैं, क्लियर है। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो जगह 2v dv अपॉन dr इक्वल टू 1/9, इस 1/9 को भी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसके लिए ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है, इधर इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, ऐसे रख दो इसको। देखो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करो, पावर आगे पावर 1
माइनस पावर है कि पावर एक माइनस, इसके बाद फिर इस पूरे टर्म्स का डिफरेंशिएट होगा एस माइनस थ्री पाई आर स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा कितना होगा सिक्स पाई स्क्वायर आर की पावर फाइव हो जाएगा। क्लियर है? क्या करो, पुटिंग करो, डी बी अपॉन डी आर इक्वल टू जीरो, इसके बराबर जीरो रख दो तो टू एस आर माइनस पाई आर की पावर थ्री, ये हो जाएगा तुम्हारा एस माइनस थ्री पाई आर स्क्वायर माइनस सिक्स पाई स्क्वायर आर की पावर फाइव इक्वल टू जीरो। इस पूरे टर्म्स के बराबर क्या रख दिया हमने, जीरो रख दिया। देखो अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो टू एस और एस की मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर आर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री पाई आर की पावर थ्री एस, इसके इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस पाई आर क्यूब एस, इसकी मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस थ्री पाई स्क्वायर आर की पावर फाइव, देखना कहीं मिस्टेक ना हो, सही है मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू सिक्स पाई स्क्वायर आर की पावर फाइव, इसको काटो कितना आएगा थ्री, कितना आएगा थ्री, थ्री टू जो सिक्स। क्लियर है? देख एक बार आपको देख लेते, एस आर की एस आर से मल्टीप्लाई एस आर से मल्टीप्लाई कर सॉरी एस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा एस स्क्वायर आर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री पाई आर और आर स्क्वायर की करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा और एस ऐसे रहेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर क्यूब एस आ जाएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस थ्री पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर और यहाँ जाए आर की पावर फाइव, क्योंकि ये दो हो गया और ये तीन हो गया तो आर की बाद पाँच हो जाएगा। क्लियर है? देखो एस स्क्वायर आर, एस स्क्वायर आर, ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स देखो सेम है, देखो पाई आर की घात तीन एस पाई आर की घात तीन एस, ये एक और ये तीन तो कितना जाएगा चार, तो माइनस चार पाई आर की घात तीन एस। क्लियर है? और प्लस थ्री पाई स्क्वायर आर की पावर फाइव इक्वल टू थ्री पाई स्क्वायर आर की घात पाँच, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस प्लस में ये भी प्लस का ये भी प्लस का बराबर कितना आएगा तो माइनस का, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, इसमें से क्या कॉमन आ रहे हैं, देखो आर एस कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे क्या बचेगा एस, यहाँ पे बचेगा माइनस फोर पाई आर की घात दो बराबर जीरो, बराबर जीरो। अब ये आ जाएगा तुम्हारा एस बराबर, देखो यहाँ से तो आर एस बराबर जीरो रखोगे तो आर बराबर कितना आएगा जीरो आएगा, और आर बराबर जीरो पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पे आर नॉट इक्वल टू जीरो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो क्या जाएगा एस माइनस फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एस अपॉन फोर पाई, क्या जाएगा एस अपॉन फोर पाई, आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया, आ गया। ठीक, अच्छा हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स वन बाई थ्री, किसके लिए, इस कंडीशन में जो वॉल्यूम होगा वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तो लिख देंगे आर की पावर आर स्क्वायर बराबर एस अपॉन फोर पाई पर डी टू बी अपॉन डी आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ये होगा, ये लिख देंगे, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका फिर से तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो, ठीक है ना, तो इसलिए डायरेक्टली लिख देंगे वॉल्यूम अगर अधिकतम दे रखा है, अधिकतम दे रखा है ना, ये लेस होगा सॉरी, ठीक, अधिकतम होगा तो ये नेगेटिव दिखा देंगे और न्यूनतम होगा तो इसको पॉजिटिव दिखा देंगे, बस लिख देंगे कितना होगा। अब देखो अगर एक ट्रायंगल क्या बनाते हैं, शंकु बनाते हैं, तो यह हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा एच, अगर यहाँ से साइन अल्फा निकालते हैं, क्या निकालते हैं साइन अल्फा आर की घात तीन पर आर की घात सॉरी आर स्क्वायर बराबर एस अपॉन फोर पाई पर वी का मान क्या होगा अधिकतम होगा, और यहाँ से देखो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा साइन अल्फा बराबर
आर बटे एल, आर अपॉन एल। देखो आर का, आर का वैल्यू तो यहाँ से निकल जाएगा, एल का वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से इस वाले समीकरण से, समीकरण नंबर इसको क्या मान लो एक मान लो, तो यहाँ से अगर एल निकालते हैं तो एल बराबर हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है एस अपॉन फोर पाई, तो जाएगा एस पाई इंटू एस अपॉन फोर पाई बटे कितना पाई आर, पाई आर, ये आर स्क्वायर है ना, ये डायरेक्टली हमने आर स्क्वायर का वैल्यू पुटिंग कर दिया, पाई आर को ऐसे रख दो क्योंकि एल अपन आर निकालना है ना, मैं एल अपन आर निकल जाए, ये आर अपन एल निकल जाए, हमारा काम बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, फोर माइनस एस तो कितना जाएगा थ्री एस, थ्री एस अपॉन फोर पाई आर, थ्री एस अपॉन फोर पाई आर, क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर देना, किसमें एल का वैल्यू पुटिंग कर देना यहाँ से उठा के, ठीक एल का वैल्यू इतना जाएगा ना, यहाँ पे रख देना, यहाँ से तुम्हारा आर स्क्वायर आ जाएगा। देखो यहाँ से इतना उतारो जल्दी से थोड़ा सा, फिर मैं नोट कर कराता हूँ। देखो साइन अल्फा बराबर क्या जाएगा आर अपॉन एल, एल का वैल्यू कितना है थ्री एस, थ्री एस अपॉन फोर पाई आर, आर ऊपर चला जाएगा फोर पाई ऊपर चला जाएगा, तो क्या जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर बटे थ्री एस, इतना आएगा ठीक। अच्छा देखो फोर पाई बटे थ्री एस इंटू आर स्क्वायर का मान देखो कितना आ रहा है, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है एस अपॉन फोर पाई, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे एस अपॉन ये वाला वैल्यू एस अपॉन फोर पाई, तो जगह एस अपॉन फोर पाई, फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हो जाएगा, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक बटे तीन किसके बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या जाएगा साइन इनवर्स वन बाय थ्री, यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम, क्लियर है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 6.5 फिनिश हो गया है, और इन सारे क्वेश्चंस को देख लेना, क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।